गाइस वेलकम टू माय चैनल मी अक्कू, मैं आप लोग का वेलकम है। तो आज हम कदमा मेला आए हुए हैं, तो आप लोगों को सीन दिखाते हैं यहाँ का। कैसे लग रही हूँ मैं, जरूर बताना। आज थोड़ा मेकअप किया है। Thank you.
थी तो सो गई मैं और वीडियोस नहीं बनाई। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग कैसे हैं बोलो, कैसे हैं? तो देखिए क्या दिखा रहा है। तो मैं ये बोलना, मेरे को कुछ बोलना नहीं है वैसे। बहुत लोग को कहना है कि बर्थडे में गई तुम्हारे साथ ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया, मतलब बहुत लोगों का नहीं, कुछ लोगों का, ठीक है। जो ऐसे भी वो जो कर रहे हैं ना, वो पहले भी मेरे को नेगेटिव कमेंट्स ही करते थे, पॉजिटिव तो करते नहीं थे, ठीक है। अभी भी वही कर रहे हैं, बस अभी मौका मिल गया उनको तो और ज़्यादा करके कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग करो। मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी चीज़ को ना दिल पे नहीं लेती, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, इससे नाराज़गी, उससे नाराज़गी, इससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी, ये सब नहीं आता मेरे को, मैं क्या करूँ। और मैं कर भी नहीं सकती, ठीक है। और मेरे को जहाँ तक लगता है मूव ऑन का मतलब ये होता है कि सब कुछ भूल जाओ, तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, हर चीज़ जो था पहले वो भी भूल चुकी हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग की इच्छा, अगर मैं आप लोग के सामने गलत हूँ तो आप लोग बोल सकते हो, मतलब जो 2-4 लोग हैं वो बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं रिप्लाई भी नहीं कर रही इसी वजह से कि यार ये कैसा मतलब चीज़ है कि इंसान खुद की मर्जी से जी भी नहीं सकता यहाँ पे। गलत बात है ना, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। मैं ऐसी नहीं हूँ तो अब मैं क्या करूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी से ज़्यादा दिन, अगर सामने वाला मेरे से बात करे माफ़ी मांगे तो ज़्यादा देर मैं उससे गुस्सा नहीं रह पाती, या ज़्यादा देर। बात ये है कि मैं रजनी दीदी के बर्थडे में गई थी, ना कि किसी और के बर्थडे में। और रजनी दीदी को मैंने, मतलब रजनी दीदी से मेरा बात होता था, ये सबको पता है। मेरे बर्थडे में भी वो विश की थी, वो आई नहीं थी। रीज़न ये था कि मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, ठीक है, गुस्से में। लेकिन उसने वीडियो कॉल किया था, विश किया था, उसने खुद से किया था क्योंकि उसको रियलाइज़ हुआ था। और जब सामने वाला पछता रहा है तो मैं कौन होती हूँ यार। भगवान जब बोलते हैं कि सामने वाला अगर माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर देना चाहिए, या फिर कुछ भी, हर चीज़ को माइंड पे नहीं रखना चाहिए, तो मैं कौन होती हूँ। और मेरे को जो सिखाया गया है, मैं बहुत लोगों की नज़र में बुरी हो गई हूँ, जो सोचना है सोच सकते हैं आप लोग, आप सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं बस इतना ही जानती हूँ कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं सामने वाला मेरे से बात करता है खुद से आके, तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती उसको। 4 दिन का ज़िंदगी में इतना घमंड, इतना गुस्सा, इतना दुश्मनी लेके जाके ऊपर में जवाब देना पड़ेगा मेरे, क्या करेंगे हम, नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा दोस्ती रखना चाहिए सबसे। मेरे से कोई अगर माफ़ी मांगे, अगर कोई गलती हो जाए, तो मेरे में यही है ना, मेरे पापा भी थे तो वही बोलते थे कि अगर सामने वाला माफ़ी मांगता है तो माफ़ कर देना चाहिए। और एक बार नहीं, बार बार माफ़ी मांगे इंसान, तो यार हम इतने भी ये नहीं है, कठोर नहीं है कि हम उसको मतलब एक ही चीज़ को दिल पे लगा के बैठ जाएं। अब जो बीत गया उसको तो रिटर्न नहीं ला सकते ना हम लोग, तो मूव ऑन करके ही फ़ायदा है। तो हर चीज़ भूल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी से कोई रिलेशन रख लिया है तो पहले का कुछ याद करके रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो ऐसा बोलते हैं वो सोचते होंगे ऐसा या करते होंगे, बट मैं नहीं, मेरे लिए इतना ही ठीक है। और टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय बाय।